हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदर, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह एक नॉर्मल डाउट डिस्कशन वीडियो या क्यू एंड ए मीन्स क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो होगा। आज के इस वीडियो में आपके द्वारा पिछले सारे वीडियो में जो भी कमेंट्स पूछे गए, जो भी डाउट्स पूछे गए या वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सजेशन दिए गए, उस पर हम थोड़ा वन बाय वन चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक कमेंट मुझे काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है जिसमें आप लोग पूछ रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो जो हमारा चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, क्या यही इकोनॉमिक सर्वे से आपका सीजीपीएससी प्री जो 17 फरवरी 2019 को होने वाला है उसमें प्रश्न आएंगे? देखिए, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो पब्लिश होता है वो होता है आपका जनवरी एंड में, और फरवरी में आपका बजट आ जाता है। तो आपका एग्ज़ाम जब 17 फरवरी को होने वाला है और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आपका जनवरी में आएगा, तो इतने कम टाइम ड्यूरेशन में उससे प्रश्न पूछा जाना पॉसिबल ही नहीं है। जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसे भी यह बात पता है कि इतने कम टाइम ड्यूरेशन में कोई भी इकोनॉमिक सर्वे, इतना बड़ा जो आपका 300 पेज का इकोनॉमिक सर्वे रहता है, उसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। और वैसे भी आपके एग्ज़ाम डेट से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही आपका क्वेश्चन पेपर सेट हो जाता है। तो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 जो अभी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसी से ही प्रश्न आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई है वही प्रश्न आएंगे, लेकिन जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 का जो रिपोर्ट पेश किया है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि जब एग्ज़ाम पास में रहता है तो कोई ना कोई कोचिंग सेंटर वाले इकोनॉमिक सर्वे का मैगजीन पब्लिश करते हैं, तो जो मैगजीन वो पब्लिश करते हैं, जो बुक पब्लिश करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित, वो आपका जो इस साल पेश हुआ है यानी आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 है उसी को वो शॉर्ट फॉर्म में या इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ उसे पब्लिश किया जाता है। वो क्या है, आपका एग्ज़ाम डेट से पहले इसलिए उसे निकाला जाता है कि एग्ज़ाम पास में जब रहता है तो अभ्यर्थी घूम घूम करके क्या है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट डाटा से संबंधित जो भी बुक मार्केट में है उसे कलेक्ट करते हैं, उसे खरीदते हैं। तो उस समय मार्केटिंग अच्छी होती है करके आपका कोई ना कोई कोचिंग सेंटर वाला आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित उस समय बुक पब्लिश करता है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि जब एग्जाम पास में आएगा तो हम नया आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे या कोई ना कोई कोचिंग सेंटर वाला आपका यदि कोई मैगजीन निकालेगा तो आपका वो नया वाला मैगजीन हम खरीद करके नए इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े पढ़ेंगे। देखिए, जो उन लोग निकाल रहे हैं काफ़ी अच्छा चीज़, शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छी चीज़ निकालते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है, हमारे पास समय कम होने के कारण हम आर्थिक सर्वेक्षण के इतने सारे आंकड़े नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ने का हैबिट में लाइए, जब एग्जाम पास में आएगा तो काफ़ी चीज़ें रहेगी पढ़ने के लिए। ठीक, एक प्रश्न आपसे एक प्रश्न और पूछा गया है। देखिए, ये जो आपके कमेंट्स है मैं उसमें किसी का भी नाम नहीं बता रहा हूँ, उसमें क्या है कि कुछ प्रश्न को लेकर के हो सकता है कोई अगले व्यक्ति को कोई जज कर ले, कुछ अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ बेसिक प्रश्न पूछे गए, तो आप में से कोई भी यह जज कर सकता है कि सीजीपीएससी का तैयारी करने वाला अभ्यर्थी को इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं है करके। तो इसलिए मैं केवल कमेंट्स बता रहा हूँ और उसके आंसर बता रहा हूँ, किसी के भी नाम मैं यहाँ नहीं बताता। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स कितना होता है, प्री और मेंस के लिए कितने दिव्यांग अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो जो दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ मार्क्स है वो सेम रहता है आपके भूतपूर्व सैनिकों के बराबर, यानी भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली जो भी छूट है या उन्हें उनका जो कट ऑफ मार्क्स उनका डिसाइडेड है वही, वो सारी की सारी चीज़ें आपके एक दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी दी जाएगी। बस डिफरेंस ये रहेगा कि जो भूतपूर्व सैनिकों को जो प्रायोरिटी दी जाएगी आपका जैसे DSP के पोस्ट में या आपका सहायक जेलर के पोस्ट में, जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं वहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों को थोड़ा साइड किया जाएगा। साइड इन द सेंस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिव्यांग जैसे आपका आई पावर कम है या आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आप उतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए क्या है, इन भूतपूर्व सैनिकों में और ये दिव्यांग अभ्यर्थियों में केवल कट ऑफ मार्क्स ही सेम है, बाकी पोस्ट में थोड़ी चीज़ें अलग है। आप में से जिसने भी यह प्रश्न पूछा है वो ध्यान दीजिएगा कि जो दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो कट ऑफ मार्क्स है वो सेम भूतपूर्व सैनिकों के ही समान है। ठीक, देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया है कि मेंस में यदि मेरे 800 मार्क्स आए और इंटरव्यू में मैं फेल हो गया तो क्या मुझे पोस्ट मिलेगी? देखिए, इंटरव्यू में किसी को भी फेल नहीं किया जाता। यदि आप मेंस में अपेयर हुए तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा। इंटरव्यू में यदि आप अटेंड करते हैं तो आपको मिनिमम 35-40 मार्क्स मिलना कन्फर्म है।
मेंस के एग्जाम में आप जितने मार्क्स लाएंगे और इंटरव्यू के मार्क्स, देखिए इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए आपको 35 टू 40 मार्क्स मिलेंगे, बाकी इंटरव्यू में जो आपके परफॉर्मेंस है उसके आधार पे आप 40 प्लस कितने ही मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपके इंटरव्यू के मार्क्स और आपके मेंस के जो पेपर आपने दिया, 7 पेपर जो दिए उसके मार्क्स दोनों ऐड होकर के लास्ट में एक फाइनल लिस्ट बनता है जिसके आधार पर आपको पोस्ट मिलेंगे। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि किसी को भी आपका इंटरव्यू में फेल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, खनन और उत्खनन क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत? देखिए खनन और उत्खनन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। यदि और आपको डाउट क्लियर करना है तो जो हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 का जो पीडीएफ है उसमें देख लीजिएगा, आपका अध्याय 3 है राजकीय आय। राजकीय आय में बहुत सारे टेबल बने हुए हैं, तो उस टेबल में देखिएगा वहाँ पे खनन और उत्खनन क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है लेकिन उसे काउंट किया गया है द्वितीयक क्षेत्र में। तो जो एग्जाम में प्रश्न जब यह पूछा गया था कि खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में है कि द्वितीयक क्षेत्र में, तो द्वितीयक क्षेत्र ही लिया गया है। तो याद रखिएगा कि खनन और उत्खनन आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब कुछ डाउट्स है जिसपे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि जैसे मेरा पिछला वीडियो जो आया था उसमें मैंने आपको बताया था उद्योग क्षेत्र वाला, है ना, आपका अध्याय 10 उद्योग क्षेत्र का जो आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको दो योजना बताई थी। एक था आपका प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और दूसरा था मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। तो जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है वो प्रारंभ हुआ था आपका 15 अगस्त 2008 को, और जो छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है ये आपका प्रारंभ हुआ था 10 जनवरी 2014 को। ये चीज़ें मैंने बताई नहीं थी, ये भी चीज़ें आपके द्वारा ही कमेंट करके पूछा गया कि मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया। तो इसमें स्पेशली ये याद रखिएगा इसका ईयर वर्ष 2014, डेट याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा लेकिन ईयर याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना आपका प्रारंभ किया गया था 10 जनवरी 2014 को। अब ये युवा स्वरोजगार से मुझे एक प्रश्न और लगा कि आपको बता देना चाहिए। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश करती है हर साल फरवरी के आसपास, आपका बजट छत्तीसगढ़ का बजट आता है, उसमें देखिए वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्य बजट में से युवा बजट को अलग पेश किया था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि छत्तीसगढ़ ने कब युवा बजट को पृथक रूप से पेश किया, तो छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2015 में युवा बजट को मुख्य बजट से अलग या पृथक पेश किया था। ठीक, ये युवा बजट वर्ष 2015 में युवा बजट को पृथक पेश करने के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने युवा बजट पृथक रूप से पेश किया था। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि छत्तीसगढ़ ने कब पृथक रूप से आपका युवा बजट पेश किया, तो वर्ष 2015 यदि आपका बजट या वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो 2015-16, तो इसे 2015 करके याद रखिएगा, 2015 या आपका वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि बजट को वर्ष 2013 में मुख्य बजट से पृथक करके कृषि बजट पेश किया था वर्ष 2013 में। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष कृषि बजट पृथक रूप से पेश किया, तो वर्ष 2013 में मुख्य बजट से पृथक करके आपका कृषि बजट अलग से पेश किया गया था वित्तीय वर्ष 2013-14। यदि देखिए वर्ष पूछा जाए तो 2013, यदि बजट पूछा जाए तो बजट 2013-14 या वित्तीय वर्ष 2013-14 में। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ को याद रखिएगा कि युवा बजट पृथक रूप से पेश किया गया था वर्ष 2015 को, जबकि कृषि बजट पेश किया गया था आपका वर्ष 2013 को। ठीक, नेक्स्ट देखिए एक कमेंट आप में से किसी ने पूछा है कि बहुत से किताबों में वर्ष 1948 में बस्तर और रायगढ़ जिले का निर्माण एवं वर्ष 1956 में सरगुजा जिले का निर्माण बताया गया है, वर्ष 1854 में रायपुर जिले का निर्माण और उसके 7 साल बाद 1861 में बिलासपुर जिले का निर्माण बताया गया है, इनमें से क्या सही है? देखिए आप कौन सा बुक प्रीफर कर रहे हैं मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन जो भी डेट मैंने बताया है जिलों के निर्माण वो सारे के सारे सही है। इसके साथ ही सारे जिले के जो निर्माण वर्ष मैंने बताया है वो आपकी छत्तीसगढ़ समग्र की जो बुक है, जो आपकी गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाली बुक है छत्तीसगढ़ समग्र, उसमें भी सेम एज इट इज़ डेट दिए गए हैं जो डेट मैंने आपको बताया है। तो जो डेट जिलों के निर्माण के जो डेट और संभाग के निर्माण के जो डेट मैंने आपको बताया है उसे ही याद रखिएगा, किसी किस बुक में क्या दिया है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ सही है। ठीक,
नेक्स्ट है आपका ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात। देखिए जब मैंने शुरू शुरू में वीडियो डालना चालू किया था तो ये मेरा सेकंड वीडियो था जिसमें मैंने एक चीज़ थोड़ी गलत बता दी थी और उसे मैंने बाद में सुधारा भी था, लेकिन फिर भी कई लोग के कमेंट्स आ रहे हैं तो इस चीज़ को कन्फर्म कर लीजिएगा। मुझे लगा कि इसे लिख के बताना ही सही रहेगा। जो लिंगानुपात वाले आंकड़े थे उसमें मैंने क्या किया था, ग्रामीण क्षेत्र के लिंगानुपात को शहरी क्षेत्र में बता दिया था और शहरी क्षेत्र के लिंगानुपात को ग्रामीण क्षेत्र में बता दिया था, जिसे मैंने बाद में करेक्ट भी करवाया था, लेकिन फिर भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि ये चीज़ें कौन सा सही है कौन सा गलत है। जनगणना वाला जो हमारा टॉपिक अपलोड हुआ था आपका अध्याय 2 छत्तीसगढ़ की जनगणना वाला, तो उसमें जो मैंने बताए थे आंकड़े वो सही थे, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो है आपका 1001 और शहरी क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो है आपका 956। दोनों आंकड़े को में कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये आंकड़े करेक्ट है, इसे करेक्ट कर लीजिए। एक प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना संबंधित आंकड़े 18 जिलों के अनुसार पढ़े या 27 जिलों के अनुसार। देखिए इस बार को जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो जनगणना के आंकड़े पेश किए गए हैं वो आपके 27 जिलों के आधार पर आंकड़े पेश किए गए हैं। इससे पहले के जितने भी आर्थिक सर्वेक्षण जो पब्लिश हुए उसमें आपके 18 जिलों के आधार पर आंकड़े दिए गए थे। वर्ष 2011 में जब जनगणना हुआ उस समय छत्तीसगढ़ के केवल 18 जिले अस्तित्व में थे। वर्ष 2012 में 9 जिले बने जिसके बाद टोटल 27 जिले हो गए। तो इस साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण पब्लिश हुआ है उसमें क्या है, पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने 27 जिलों से संबंधित जनसंख्या वाले आंकड़े पेश किए हैं। तो संभावना तो यही है कि 27 जिलों के आंकड़े से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है कि 18 जिलों के आधार पर हम ऑप्शन सेलेक्ट करें या 27 जिलों के आधार पर, तो जब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें जो 5 ऑप्शन दिए रहेंगे या 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें आप ये देखिए कि उसमें से कोई ना कोई एक जिला 27 जिले यानी 2012 में जो एक नया जिला बना उसके आधार पर आपको एक ना एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो उसके आधार पर आप प्रश्न को जज कर सकते हैं कि सामने वाला एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, या 27 जिलों के आधार पर आंकड़ों को पूछ रहा है कि 18 जिलों के आधार पर आंकड़ों को पूछ रहा है। यदि आपको उन 5 ऑप्शन में कहीं पर भी आपको यदि 27 जिले यानी वर्ष 2012 में जो 9 जिले गठित हुए उसमें से एक भी जिला यदि आपको ऑप्शन में दिखा तो आप आंसर 27 जिले आधार पर ही लगाइएगा। वैसे आर्थिक सर्वेक्षण यदि 27 जिलों के आधार पर आंकड़े पेश कर दिए गए हैं तो संभावना तो यही है कि आपको 27 जिलों के आधार पर ही आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए एक चीज़ ये भी है आपका चिराग योजना जो कि आपका केंद्र सरकार द्वारा रोड मैप 2022 तैयार किया गया था जिसमें किसानों की आय वर्ष 2022 तक आपका दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये जो चिराग योजना वाला है इससे भी इस बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो याद रखिएगा जो चिराग योजना का जो डेट है या जो वर्ष है वो जो 2022 है, केंद्र सरकार का जो रोड मैप है 2022 किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो तैयार किया गया था उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में चिराग योजना प्रारंभ की गई है। तो उस चिराग योजना के अंतर्गत किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, अब देखिए कलमा बैराज या कमला बैराज, इससे भी कई लोग इसमें भी डाउट में है कि इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका कलमा बैराज जांजगीर चांपा जिले में है कि रायगढ़ जिले में है। देखिए कई बार आपको न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा है कि कई बार उसमें दे देता है कि कलमा बैराज आपका रायगढ़, लेकिन जो आपका कलमा बैराज है ये आपका जांजगीर चांपा जिले में है। ये चीज़ मुझे भी शुरू में ये डाउट होता था कि रायगढ़ में है कि आपका जांजगीर चांपा में है, लेकिन जो आपका पिछले साल का जो आपका राज्योत्सव हुआ था तो जब मैंने वो राज्योत्सव में गया था तो वहाँ पे जो जल संसाधन वाले लोग का जो स्टॉल लगा रहता है राज्योत्सव में तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ को देखा था, इसका मैंने फ़ोटो भी क्लिक किया था लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं है, मोबाइल में रखा था लेकिन मोबाइल से फॉर्मेट हो गया ये चीज़। तो उसमें मैंने इसका फ़ोटो भी लेकर के रखा था, उसमें यही दिया गया था कि जो आपका कलमा बैराज है ये आपका जांजगीर चांपा जिले में है, वहाँ पे जल संसाधन विभाग का अलग से स्टॉल लगाया गया था, वहाँ पे ये चीज़ें अलग से मेंशन की गई थी कि जो आपका ये है कलमा बैराज ये जांजगीर चांपा जिले में है। तो इसमें डाउट मत रखिएगा कि रायगढ़ में है कि जांजगीर चांपा में है, ये आपका जांजगीर चांपा जिले में ही है। देखिए अभी फिर से आपका राज्योत्सव होने वाला है, आपका 1 नवंबर से जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस में हर साल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार आपका राज्योत्सव का आयोजन करती है। तो ये जो राज्योत्सव में आप जाइए वहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, आप अपना समय निकाल करके एक बार राज्योत्सव अटेंड कीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। आपके मन में कोई भी डाउट है या किसी प्रकार का प्रश्न संबंधित यदि कोई भी आपका हल्का सा भी डाउट है तो आप वहाँ पे अलग अलग विभाग के छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभाग जैसे सांस्कृतिक विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, सभी के अलग अलग वहाँ पे स्टॉल लगे रहते हैं, वहाँ पे प्रदर्शनी रखी जाती है। तो आपको क्या है वहाँ जाओगे तो आपको नई नई चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, उससे संबंधित नए नए आंकड़े वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा
दूंगा कि जो इस साल भी अभी आपका शायद एक नवंबर से 5 नवंबर तक शायद 5 दिन का रहता है ये राज्योत्सव, तो टाइम निकालिए और ये जो राज्योत्सव है उसे अटेंड कीजिए, आपको काफ़ी नई चीज़ें जानने के लिए मिलेगी। तो जाइए उसको थोड़ा देखिएगा, राज्योत्सव अटेंड कीजिएगा, तो वहाँ पर क्या है काफ़ी नए चीज़ें आपको जानने मिलेगी, नए आंकड़े मिलेंगे, या जैसे मैंने आपको बताया ये कलमा बैराज वाला, तो आपको वहाँ पर प्रदर्शनी के साथ साथ कई ज्ञानवर्धक चीज़ें भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न है ये वनावरण वाला। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जो छत्तीसगढ़ वनावरण के आधार पर तीसरा बड़ा राज्य है, ये आंकड़े सही है, लेकिन एक कमेंट आया है अमित पांडे जी का, इनका तो मैं नाम बता सकता हूँ फिलहाल क्यों, क्योंकि इनसे थोड़ा बहुत मतलब व्हाट्सएप के थ्रू इनसे कॉन्टेक्ट है, तो ये जो अमित पांडे सर जी है ये ऑलरेडी आपके फॉरेस्ट विभाग में ये कार्यरत है, तो इनसे थोड़ी बहुत पहचान है, तो उन्होंने मेरे को कमेंट करके बताया कि जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण में जो दिया गया है कि छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र के आधार पर चौथा बड़ा राज्य है, ये भी सही है, और वनावरण के आधार पर तीसरा बड़ा राज्य है यह भी सही है। तो इसके तो उनके द्वारा कमेंट किए जाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत और रिपोर्ट को देखा, तो उसमें मुझे ये चीज़ मिला है। देखिए इसमें जो छत्तीसगढ़ का जो प्रश्न आया यदि वन क्षेत्र वाला, तो उसमें आप प्रश्न में उसका इंग्लिश वाला पोर्शन देख करके ये देखिएगा कि उसे पूछ क्या रहा है, उसमें फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है या फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है। देखिए फॉरेस्ट कवर क्या होता है और फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, इसमें मैंने आपको डिटेल पे जो वानिकी वाला चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे वाला उसमें डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा। फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण, फॉरेस्ट एरिया यानी वनावरण प्लस वृक्षावरण, इसके आधार पर छत्तीसगढ़ की रैंकिंग अलग अलग है। देखिए पहले नंबर पर है वनावरण के आधार पर आपका मध्य प्रदेश लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ जो कि है आपका 55,000 वर्ग किलोमीटर के साथ, जबकि चौथे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर के साथ। तो मैंने जो आपको वीडियो में बताया ये आंकड़े सही है कि छत्तीसगढ़ वनावरण के आधार पर आपका तीसरा बड़ा राज्य है, जबकि आपका इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में कि छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के आधार पर चौथा बड़ा राज्य है, यह भी सही है। वो आंकड़े जो है ये आंकड़े हैं आपके वनावरण और वृक्षावरण के आधार पर। जब मैंने उस रिपोर्ट को दोबारा देखा तो मुझे ये चीज़ देखने के लिए मिला कि देखिए मध्य प्रदेश 77,000, अरुणाचल प्रदेश 66,000, छत्तीसगढ़ 55,000 और महाराष्ट्र आपका 50,000, लेकिन जो उसमें ये क्या है आपके वनावरण के आंकड़े हैं, ये जो मैंने बताया ये सारे के सारे आपके वनावरण वाले आंकड़े हैं, लेकिन उसमें यदि हम वृक्षावरण को इंक्लूड करें तो महाराष्ट्र में जो आपका जो वृक्षावरण है मींस ट्री कवर है वो 9,000 है, और जो छत्तीसगढ़ में जो ट्री कवर है वो आपका 3,000 है। यदि आप ऐड करेंगे तो आपका 55,000 और 3,000 मींस 55,000 और 3,000 को आप ऐड करोगे तो लगभग 58,000 होता है, लेकिन महाराष्ट्र का जो आपका वनावरण है और महाराष्ट्र का जो वृक्षावरण है मींस फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो देखिए 50,000 प्लस 9,000 कितना होता है 59,000, मतलब 59,000 लगभग 60,000 के आसपास होता है। ये आंकड़े एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको याद रह करके बता रहा हूँ, तो ये जो 50,000 और 9,000 दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग 60,000 होता है, छत्तीसगढ़ से काफ़ी ज़्यादा। छत्तीसगढ़ का कितना हो रहा है 58,000 हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र का 59,000 हो रहा है। तो याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया तो उसका इंग्लिश में देखिए, फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, ये प्रश्न अक्सर डाउट में रहता है, जैसे अमित पांडे जी ने कहा कि ये हमेशा डाउट का विषय रहता है, तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि इसे एक बार देखिए, और उन्होंने बताया कि वनावरण के आधार पर तीसरा बड़ा राज्य है और वन क्षेत्र के आधार पर चौथा बड़ा राज्य है, तो ये चीज़ें सही है। तो जब कभी भी प्रश्न एग्जाम में आया तो इंग्लिश वाले उस टर्म को देखिएगा, फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है या फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है, हिंदी में तो हमेशा आप डाउट में रहेंगे ही, क्या है वन क्षेत्र क्या है वनावरण क्या है, उसे थोड़ा डिटेल में जाकर के वीडियो में देख लीजिए। तो याद रखिएगा वनावरण के आधार पर यानी फॉरेस्ट कवर के आधार पर छत्तीसगढ़ तीसरा बड़ा राज्य है, जबकि वन क्षेत्रफल के आधार पर यानी फॉरेस्ट एरिया के आधार पर चौथा बड़ा राज्य है, दोनों आंकड़े याद रखिए। ठीक, तो लगभग सारे के सारे आपके डाउट हो चुके हैं। अच्छा एक प्रश्न और पूछा गया बुक से संबंधित। देखिए प्री के लिए तो आप मार्केट में किसी भी कोचिंग सेंटर का कोई भी बुक अवेलेबल है, आप उसे लीजिए और उसे पढ़िए। आप हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर का बुक पढ़ने से आपको चीज़ें अच्छे से याद हो रही है, आप उसे बेसिक पढ़िए। क्या है प्रश्न, बेसिक चीज़ें हर कोचिंग सेंटर कवर कर रहे हैं,
एडवांस लेवल पे या तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछ सकता है, ग्राम पंचायत से पूछ सकता है, नगरीय निकाय से पूछ सकता है, लेकिन कोई भी कोचिंग सेंटर की जो बुक अवेलेबल है प्री के लिए, आप मार्केट से उसे परचेस करके पढ़ सकते हैं। अब रही बात मेंस के लिए, तो मेंस में यदि आप जैसे बाकी जनरल स्टडी के जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसके लिए अरिहंत की बुक प्रीफर कीजिए। क्यों? क्योंकि अरिहंत की बुक में काफ़ी जो उसमें जो टर्म्स यूज़ किए गए, यानी जो शब्द यूज़ किए गए वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आपको उससे लिखने में मदद मिलेगी। अब रही बात आपके छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित जो आपका मेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके लिए तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण काफ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण के पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसमें जो शुरू शुरू में जो चीज़ दी गई है उसे आप एक अच्छा खासा इंट्रो बना सकते हैं, उसमें ही कंक्लूजन बना सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण मेंस के लिए तो छत्तीसगढ़ जो इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ है उससे पढ़िए। अब रही बात इसके जनजातीय वाले सेक्टर की, कला संस्कृति इतिहास वाला जो चीज़ है, तो मार्केट में जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ पढ़ना अच्छा है नहीं है, तो देखिए उपकार पब्लिकेशन का जो छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं या जो लोकेशन बताया गया है काफ़ी गलतियाँ भी है उसमें। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो उपकार पब्लिकेशन का जो बृहद संदर्भ है जो मार्केट में अवेलेबल है, वो पब्लिकेशन आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है, उसका पब्लिकेशन इलाहाबाद यूपी का है। वो पब्लिकेशन राइटर भले छत्तीसगढ़ के है लेकिन वो बुक बाहर पब्लिश होती है, तो उस बुक की किसी भी चीज़ को आपका ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। बाकी उसमें जो जिस सीक्वेंस में या जो चीज़ उसमें शब्द यूज़ किए गए हैं या जो टर्म्स उसमें यूज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसके जो आंकड़े हैं या आपका पर्यटन स्थल में काफ़ी मैंने भी चीज़ें देखी कि काफ़ी चीज़ें उसमें गलत दी गई है, तो जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से बचिए। और जैसे आपका हिस्ट्री है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ समग्र का एक बुक है, केवल बेसिक कुछ कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, बाकी ये बुक पूरा का पूरा बकवास है। एक मोटा बुक छाप दिया है जिसमें बहुत पुराने आंकड़े दिए गए हैं, बाकी इसमें जैसे आपका वर्ष 2015 में इसका एक बुक छत्तीसगढ़ समग्र के नाम से ही पब्लिश हुआ था, भले इसके आंकड़े ऑथेंटिक माने जाएंगे लेकिन इसे पढ़ना काफ़ी बोरिंग है क्योंकि बहुत मोटा बुक है और इसमें काफ़ी अच्छे से नहीं दिया है, लेकिन जो इसका 2015 में जो इसका बुक पब्लिश हुआ था वो काफ़ी अच्छा था। देखिए मेरे पास तो फिलहाल उसका फोटो कॉपी है, जैसे मैं आपको इसका देखिए इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा वर्डिंग यूज़ हुआ है, जो छत्तीसगढ़ समग्र का ही है, आप मार्केट में यदि ढूंढेंगे तो आपको इसका फोटो कॉपी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये आपका छत्तीसगढ़ समग्र का है, मैं आपको छत्तीसगढ़ का ही बता रहा हूँ। 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ क्या भूमिका रही, देखिए इसने कैसे आपका इंट्रो बनाया है उसे देखिए। सन 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष हजारों लाखों स्वाधीनता प्रेमी भारतीयों ने क्रांति की मशाल अपने हाथों में थामकर ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाने के लिए प्रथम प्रयास किया था। अंग्रेजों की कुशासन नीति, अत्याचार, शोषण से समूचे भारत का वातावरण विषाक्त हो गया था। सन 1857 में भारतवासियों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक महान क्रांति की थी। कंपनी प्रशासन के दमन, शोषण एवं अत्याचारपूर्ण नीति से धान का कटोरा कहे जाने वाले शांतिमय छत्तीसगढ़ के खेत खलियान भी विद्रोह की ज्वाला में धधकने लगे। यहाँ के लोगों ने भी स्वराज और स्वधर्म की कामना से उत्प्रेरित होकर विद्रोह का शंखनाद किया। देखिए कितना अच्छा वर्डिंग यूज़ किया है, धान का कटोरा कहे जाने वाले शांतिमय छत्तीसगढ़ के खेत खलियान भी विद्रोह की ज्वाला में धधकने लगे। तो ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे वर्डिंग इस बुक में यूज़ हुआ है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो छत्तीसगढ़ समग्र का आपका 2015 वाला जो पब्लिकेशन है उसके यदि आपको फोटो कॉपी मिल रहा है तो आप फोटो कॉपी को परचेस कीजिए, मेंस में आंसर राइटिंग के लिए काफी आपको मदद मिलेगी। अब देखिए वीडियो से रिलेटेड आपके काफी सजेशन आए हैं, उस पर भी मैं थोड़ा बात कर लेता हूं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि आपकी आवाज़ काफ़ी गूंजती है, वीडियो में जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसे मेरी आवाज़ काफ़ी गूंजती है। ये जो मेरा रूम है जहाँ पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये मेरा थर्ड फ्लोर पर है, ये मेरा अलग से सेपरेट रूम है, यहाँ पे बोर्ड टेबल चेयर और कुछ कॉपी किताब बस इतनी ही चीज़ें हैं, रूम पूरा खाली है, तो इस कारण से क्या है आवाज़ काफ़ी गूंजता है, तो इसे तो मैं फ़िलहाल ओवरकम नहीं कर सकता, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिए। क्या है अब खाली रूम में आपको ही मालूम होगा काफ़ी इको जनरेट होता है, तो जिसके कारण आवाज़ गूंजेगी ही। सेकेंड है आपका रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड कीजिए, देखिए मैं क्या है मैं हर दिन 7 बजे या 8 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ,
उस फ्री टाइम में जो आपके 7 बजे का फ्री होने के बाद ही मैं कोई ना कोई वीडियो बनाने के बारे में सोचता हूँ या वीडियो रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करता हूँ। तो लगभग आपका एक दिन बोर्ड में लिखने में, उसके बाद नेक्स्ट दिन रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करने में लगभग मेरे को 3 दिन का समय लग ही जाता है। तो रोज़ रोज़ तो वीडियो अपलोड कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम डेट पास में आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम एटलीस्ट 2 दिन के गैप में आपको एक वीडियो मिल जाए, लेकिन हाँ रोज़ वीडियो अपलोड कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत टाइम तक चलता है, थोड़ा शॉर्ट करके बताइए, पाउस करके लिखना पड़ता है इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। देखिए कई लोग का ये कमेंट है कि जो मेरा वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो लगभग 30 मिनट या 35 मिनट का रहता है, तो इतना लंबा वीडियो नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना वीडियो लंबा रखने से चीज़ें बोरिंग हो जाती है, तो आप एक चीज़ याद रखिए, यदि आप किसी न किसी कोचिंग सेंटर को यदि ज्वाइन करते हैं तो लगभग आपका एक लेक्चर 1 घंटे का होता है। एक दिन में 2-3 क्लासेस चलती होगी तो कम से कम 2-2.5 घंटा आपको कोचिंग सेंटर बैठ करके चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो अगर हमारा वीडियो 30 मिनट का बनता है, आप भी देखे होंगे कि इस 30 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में एक भी जगह फालतू की बातें नहीं होती, ना ही मैं कोई मजाक करता हूँ या नहीं आपको कोई इधर उधर की बातें करता हूँ, चीज़ें बताता हूँ, टू दी पॉइंट बातें करता हूँ। देखिए वीडियो मैं चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ, क्या करूँगा, आपका जो करंट अफेयर वाला टॉपिक है उसको आज पार्ट 1 करके आपका अपलोड कर दूंगा, सेकंड दिन पार्ट 2 करके अपलोड कर दूंगा, 15-15 मिनट का मैं वीडियो बना बना के अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन आपको क्या है, जैसे आप पढ़ रहे खनिज पढ़ रहे, एक बार में यदि आप पूरा चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें पढ़ने में भी अच्छी लगेगी, मुझे पढ़ाने में भी अच्छी लगेगी। लेकिन यदि मैं उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड करूँगा तो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा भी लगे, लेकिन अलग अलग करके पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि भले टाइम लगे लेकिन चीज़ों को एक साथ करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप आज कमेंट करके बता सकते हैं, यदि आपको चाहिए तो मैं 2 पार्ट करके भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, या 30 मिनट तो मुझे लग रहा है बेटर है, लेकिन फिर भी लगता है तो आज कमेंट करके बता दीजिए। आज की वीडियो में मैं 2 पार्ट करके भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। अब पॉज करके लिखना पड़ता है। देखिए सबसे पहली चीज़, आप वीडियो को यदि देखना चालू करते हैं तो फर्स्ट बार आप वीडियो को केवल एक स्टोरी की तरह देखिए, उसे लिखिए मत। क्या क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ या क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे एक स्टोरी की तरह या एक नॉर्मल वीडियो की तरह देखिए, लिखते हुए उसे पढ़िए मत या लिखते हुए वीडियो को मत देखिए। उससे क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किप हो जाएगी और सही में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। 1/2 घंटा का वीडियो भी यदि पॉज कर करके आप लिखेंगे तो कम से कम 1.5-2 घंटे आपका टाइम निकल जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, बाकी फिर टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज में तो मैं ऑलरेडी आपको स्क्रीनशॉट इसका भेज देता हूँ, वहाँ से आप उसे कलेक्ट कर लीजिए, मेन चीज़ें लिख लीजिए। उसके बाद लगता है कि चीज़ें याद नहीं हुई तो फिर से वीडियो को एक बार देख करके बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं उसे लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम नहीं मिलता तो जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बोलने की स्पीड कम कीजिए। देखिए जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट ज़्यादा हो जाता है, यदि मैं बोलने की स्पीड कम दूंगा तो टाइम 1 घंटा हो जाएगा। एक तो आपको अभी 30 मिनट के वीडियो में यदि इतनी समस्याएं आ रही है तो यदि मैं धीरे बोलने लगा तो हो सकता है कि वीडियो 1 घंटे का बन जाए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जैसे बेसिक चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में हुआ था ऐसा कि मैंने कुछ ज़्यादा फास्ट बोल दिया था, वो इसलिए किया था मैंने क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं, तो जो बेसिक चीज़ें रहती है कि मुझे लगता है कि उसमें बताने के लिए कुछ नहीं है तो मैं उसे फटाफट उसे निपटाने का कोशिश करता हूँ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे योजनाएं हैं, नाबार्ड की रिपोर्ट है, तो ऐसी चीज़ों में मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ। तो क्या मुझे, मैं इतना सोच के चलता हूँ कि एक वीडियो कम से कम 30 मिनट का रहेगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम ना लेकर के कम से कम 30 मिनट से वीडियो ज़्यादा भी ना हो और काफ़ी चीज़ें कवर हो जाए, ये मेरा एक टारगेट रहता है, ठीक। PDF, कई लोग क्या है इकोनॉमिक सर्वे का भी PDF मांगते हैं। देखिए इकोनॉमिक सर्वे का PDF ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया है, अब मैं उसमें आपको और क्या PDF बना के दूँ। तो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित तो फिलहाल PDF अभी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा और ना ही मैं PDF बना रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपका कोई कोचिंग सेंटर है या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो क्या? मेरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, मैंने नॉर्मली एक YouTube वीडियो मुझे लगा कि बनाना चाहिए ताकि मेरा भी प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से होते रहे। मैं किसी कोचिंग सेंटर में भी नहीं पढ़ाता, मैंने अप्रोच ज़रूर किया था कि किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊं करके, लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए भी लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। मैंने 2-3 कोचिंग सेंटर में अप्रोच ज़रूर किया था कि पढ़ाऊं करके, लेकिन
सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर्स जो कि आज की डेट में एक्सपीरियंस भी मांगते हैं टीचिंग फील्ड में, तो फिर उसके बाद मैंने ये सब चीज़ के पीछे भी अप्रोच करना बंद कर दिया। ठीक है, तो आज का जो आपका जितने भी डाउट है मेरे हिसाब से क्लियर हो चुके होंगे आपको। इसके बाद यदि आपको कोई समस्याएं हैं तो आज के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यदि हमारा डिस्कशन वीडियो बना तो आपका जो डाउट रहेगा उसे मैं इसी तरीके से क्लियर कर दूंगा। क्या होता है कि आपके द्वारा जो कमेंट करके जो डाउट पूछे जाते हैं मैं उसे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, काफ़ी कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसे मैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको नहीं बता सकता। जैसे आपका आर्थिक सर्वेक्षण से ही कई बार रिपीटेड कमेंट्स आ रहे थे कि यही आर्थिक सर्वेक्षण से आएगा नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है मैं कमेंट के थ्रू नहीं बता सकता। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो, आपके डाउट सेशन के ऊपर भी एक वीडियो बना लेना चाहिए। तो इस तरीके से बीच बीच में यदि बहुत सारे आपके डाउट्स रहे तो ऐसे आपका एक डाउट डिस्कशन वीडियो बनता जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आज के वीडियो में भी आपको कोई ना कोई डाउट लगे तो आज भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।